अगर तुम देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन कि ये 400 न्यूटन अप्लाई यानी ब्लॉक, ये यहाँ पर एक ब्लॉक है और वो इस ब्लॉक पे एक 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस इज द ब्लॉक, और ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है। तो यहाँ से एक अब यहाँ से ये वाली जो लाइन है इस पे ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे एक 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये एंगल 30 डिग्री पर 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉक का जो मास है इज इक्वल टू 3 kg अपना दिया हुआ है, 3 kg। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ म्यू प्रेजेंट है और जो कि 0.6 है। तो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, मतलब वॉल कुल कितना फोर्स लगाएगा ये पूछा जा रहा है। एक्चुअली देखो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा गलत है क्योंकि देखो वॉल जो फोर्स लगाएगा, अगर इधर देखोगे तो वॉल फोर्स लगाएगा तो वॉल तो ये तो फ्रिक्शन लगाएगा, चलो मान लो फ्रिक्शन ऊपर आ रहा है, वॉल नॉर्मल भी तो लगाएगा, तो इनका रिजल्टेंट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा सेंटेंस में गड़बड़ है क्योंकि ऑप्शन वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड दिया हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे सही कर देता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड, क्योंकि टोटल फोर्स कुछ अलग हो जाएगा, टोटल फोर्स जो है वो नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ही बदल जाएगा, तो चलो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल अगर देखोगे तो यहाँ से नॉर्मल का इसका 100 का एक कॉम्पोनेंट 100 cos 30 इधर जाएगा और यहाँ से इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो कि होगा 100 sin 30, ठीक है ना। 100 sin 30 का मतलब होता है 50 न्यूटन और 100 इसका ये होता है 50√3 न्यूटन। तो यहाँ से नॉर्मल इस पे वॉल ब्लॉक पे इधर लगाएगा और तो सबसे पहले तुम देख रहे हो यहाँ पे तो नेट एक्सटर्नल और इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा जो कि ऑब्वियसली 30 न्यूटन होगा क्योंकि ये तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा है वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल वाले में 50 माइनस 30 दैट इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन ऊपर है। तो अब जो फ्रिक्शन आएगा तुम देखोगे यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा वो इसी एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स का ही अप्रोच करेगा। 100 sin 30 का जो ये भाई फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का यार, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स तो ये एक्सटर्नल फोर्स तुमने 50 न्यूटन लगाया, 30 न्यूटन लगाया, तो कुल कितने लगाए भाई, 20 न्यूटन लगाए जो कि ऊपर है। तो अब जो ब्लॉक पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, तो ब्लॉक पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन ऊपर आ रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन इसी का अपोज करेगा। और इधर तो आ रहा था अपना 50√3 तो, और इधर से आ रहा था नॉर्मल, इस डायरेक्शन में मोशन होगा ही नहीं, तो नॉर्मल अगर चाहिए तो नॉर्मल की वैल्यू 50√3 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगी। चलो देखेंगे फ्रिक्शन किधर आएगा, कॉमन सेंस की बात है, फ्रिक्शन अब आएगा डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन नीचे आएगा ये वाला क्योंकि 20 का अप्रोच करना। अब ये फ्रिक्शन स्टेटिक होगा, काइनेटिक होगा, लिमिटिंग होगा, वो क्या होगा चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है मतलब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है तो वो है म्यू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6, 0.6 मतलब, और यहाँ से 0.6 तुम देखोगे और 100 नॉर्मल की वैल्यू cos 30, 100 cos 30 इज इक्वल टू 0.6 इज इक्वल टू यहाँ से 100 और cos 30 sin 60√3/2 मतलब 50√3, तो 50 पूरा सॉल्व करोगे तो ये लगभग 51 न्यूटन आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 30√3 न्यूटन आ जाएगा। तो 51 न्यूटन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है यहाँ, मतलब इतना लग सकता है। अब लगेगा या नहीं लगेगा वो तो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा ना मेरे भाई, पढ़े हो ना इसमें। तो जब 50 न्यूटन यहाँ मैक्सिमम अवेलेबल है लेकिन आप इधर 20 न्यूटन से खींच रहे हो, तो अब इस ब्लॉक पे जो सही फ्री बॉडी डायग्राम है तो वो ऐसे होगा। तो इस कुल मिला के इस ब्लॉक ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं,
ये ब्लॉक जब तब चलता जब अप्लाइड फोर्स 50 से अधिक होता, ये ऊपर लगा 20 न्यूटन, अगर ये 50 से 51 से अधिक होता तो ये ब्लॉक फ्रिक्शन काइनेटिक लगता। अभी अगर 51 एग्जैक्ट होता तो लिमिटिंग लगता, लेकिन अभी 20 है तो इधर नीचे फ्रिक्शन की वैल्यू 20 ही लगेगी। अवेलेबल या मैक्सिमम अवेलेबल 51 है भाई, ठीक है, ये थोड़ी लगेगा, तो 20 न्यूटन लगेगा और इसका नेचर स्टैटिक होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और ये जो फोर्स तो 50√3 न्यूटन वाले ये तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और 20 न्यूटन आएगा और नेचर स्टैटिक होगा, मतलब सी ऑप्शन अपना सही है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू।